हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चटकारा कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए उबले चावल से खीचिया। ये मैंने करीब आधा गिलास चावल लिए हैं, ये बच गए थे। ये चावल कोई भी हो, मोटे या बासमती, जो भी आपके पास बचे हुए हो आप उन्हीं से खीचिया बना सकते हैं। मेरे पास ये रात के करीब आधा गिलास बचे हुए चावल हैं, इन्हीं में से मैंने चार हिस्से कर और मैं ये चार तरह की खीचिया बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये सादे पापड़ बनाऊंगी। सादे पापड़ में मैंने थोड़ी सी ये डाली है अजवाइन, इसी में ये डाल दूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक। अगर उबलते हुए चावल में आपने नमक ज़्यादा डाल दिया है तो आप इस समय नमक ना डालिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड नंबर पर ये मैं खीचिया बनाऊंगी ये टमाटर का। टमाटर को मैंने काट लिया है, इस तरह से हम मोटा मोटा ही काट कर मिक्सर में पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम बनाएंगे ये करी पत्ता और हरी मिर्च के साथ। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक और मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं वो डाल देंगे। और ये फिर पुदीना चावल के साथ में खीचिया, पुदीना के साथ में जो खीचिया बना रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इन चारों में ही हमें बेकिंग सोडा और नमक डालना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पहले मैंने उबलते हुए में नमक नहीं डाला हुआ है चावलों में, वरना ये एकदम फीके रह जाएंगे। अब हमें इसे मिक्सर में डालकर एक एक करके अलग अलग अच्छे से पानी डालकर बारीक पेस्ट बना लेना है। इस तरह से पानी डालकर और इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। एक बार आपको बहुत ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना है। ये हमारे चारों तरह के खीचिया पापड़ का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमें इतना गाढ़ा रखना है। अगर आपको थोड़ा मोटा खीचिया पसंद है तो आप इतना ही गाढ़ा रखिए, लेकिन अगर आपको पतला खीचिया बनाना है तो आप इसमें उबालते समय थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं और इसका खीचिया बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे उबालना स्टार्ट करते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ एक उबाल आने तक ही पकाना है। हमने गैस ऑन कर लिया है और सबसे पहले हम ये प्लेन खीचिया पापड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ये पैन में मैं डाल देती हूँ और इसको हम चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। इसमें कोई घी या ऑयल किसी प्रकार का हमें नहीं डालना है। ये उबाल आ चुका है, ये देखिए हमें इतना ही थिक बैटर रखना है, इसका ज़्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करना है। और अब हम इसे उसी बाउल में वापस निकाल देंगे और एक एक करके चारों तरह के बैटर को उबाल आने तक पका लेंगे। इसे करीब 1 से 1.5 मिनट फुल फ्लेम पे उबाल आते हुए लगा है। ये चारों खीचिया बैटर बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसे इसका बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बैटर बनाना है। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ एक बार फिर, ये देखिए बस इतना ही स्मूथ होना चाहिए। अगर ये चावल आपको बैटर में थोड़ा सा भी चावल नज़र आए तो आप इसे दोबारा भी पीस सकते हैं। आप इसी तरीके से कई प्रकार के खीचिया बना सकते हैं, जैसे पालक का, रेड चिली फ्लेक्स का, या जीरे का, हरे धनिए का, मेथी का, या जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो उसे बनाकर आप घर में रख सकते हैं। मैं ये छाया में ही सुखा रही हूँ, आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं। आप इसके लिए एक पॉलीथीन की शीट लेकर और इस तरह से फैलाते हुए खीचिया बना लेंगे। सारे अलग अलग खीचिया बनाकर रख लेंगे। अगर आप धूप में सुखाएंगे इसको तो ये एक दिन में ही सूख जाते हैं, लेकिन अगर छाया में सुखाते हैं तो ये 2 से 3 दिन में सूखकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर इसे आपको सेव करके रखना हो तो आपको धूप में सुखाना 1 दिन के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको इसे लंबे टाइम सेव करके नहीं रखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर आप इसे 2 से 3 दिन तक छाया में सुखाकर भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अलग अलग सभी बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे खीचिए हमने फैला लिए हैं,
अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देंगे। खीचियों को 1 घंटा धूप लगाकर तलने के लिए तैयार है। अगर इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना हो तो कुछ धूप लगानी आवश्यक होती है। मैं आपको चारों तरह के खीचे तल कर भी दिखाती हूँ। ये हमारे कलरफुल खीचियाँ तलने के लिए तैयार है। तेल गर्म हो चुका है, इन्हें हम तल लेंगे। ये देखिए फूल कर कितने बड़े बड़े खीचे तैयार हो रहे हैं। इस तरह से हम चारों तरह के खीचे आपको मैं तलकर दिखाती हूँ। अगर किसी गृहिणी को व्यवसाय शुरू करना हो तो झटपट हाथों हाथ खीचियाँ बना सकती है। हाथों हाथ चावल उबाले और झटपट खीचियाँ बनाए। ये इस तरह से मैंने चारों खीचियाँ तल लिए हैं। हमारे सुपर क्रिस्पी चटकारेदार कलरफुल खीचियाँ पापड़ तलकर तैयार है। मैं इन्हें आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए तोड़ने से ही आपको पता लग गया होगा कि कितने क्रिस्पी खीचियाँ बने हैं हमारे। इन्हें खाकर झटकारे लीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।